कोरोना से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब सरकार ने कोविड एडवाइजरी जारी कर दी है। पंजाब सरकार ने एडवाइजरी में अस्पतालों में डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, मरीजों और उनके परिजनों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही लोगों को मास्क पहनने और भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूरी बनाए रखने की हिदायत भी दी है। वहीं सर्दी, खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की अपील भी की है। गाड़ी लेने से पहले को भी नाकाम किया गया है। लेकिन राजौरी में हुए इस आतंकी हमले के बाद जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर हमला करने की मांग तक कर दी और इस आतंकी हमले का विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में डोगरा फ्रंट के लोग सड़क पर उतर आए। जम्मू शहर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता हाथों में भारत का झंडा लेकर नारे लगाते दिखे। इस दौरान कुछ लोग पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर की तस्वीरें भी हाथ में लिए दिखे। एक पोस्टर भी दिखाई दिया जिस पर पुंछ हमले का बदला POJK लिखा दिखाई दिया। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। बाद में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने सरकार से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर हमला करने और उसे भारत में मिलाने की मांग तक कर दी। अरे भाई, अब नौबत आ गई, उन्होंने हमारे पर हमला करा, हम भी हमला करें बालाकोट की तरह और POJK को लेकर के रहे। डोगरा फ्रंट का दावा है कि जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाए जाने के बाद से इन आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि आरोप है कि ये लोग पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों की मदद करते हैं। इस बीच कर्नाटक सरकार के एक मंत्री ने अपने प्राइवेट प्लेन में एक ऐसा वीडियो बनाया जिस पर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वीडियो उनके आलिशान प्राइवेट प्लेन में बनाया गया और फिर उस वीडियो पर सियासी संग्राम छिड़ गया, क्योंकि कर्नाटक सरकार में मंत्री जमीर अहमद खान इस वीडियो में उस प्लेन में अलग अलग पोज देकर वीडियो बनवाते नजर आए। कभी वो स्लो मोशन में चलते दिखे तो कभी कैमरा उन्हें पीछे से शूट करता नजर आया। इसके बाद वो पूरे ठाट से जाकर सोफे पर बैठे और पैर पर पैर रखकर कैमरे की तरफ पोज दिया। इस दौरान वो सूट बूट तो पहने ही थे, साथ ही उनके चेहरे पर काला चश्मा भी जमा रहा। मतलब उन्होंने अपने प्राइवेट जेट में किसी फिल्म के हीरो की तरह बकायदा वीडियो शूट कराया और फिर सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट कर दिया। बड़ी खबर आई जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले से जुड़ी। एक रोज पहले सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले की तह तक जाने के लिए NIA की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। इसके अलावा आतंकियों की तलाश में राजौरी के डेरा की गली इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों को ढूंढने के लिए इलाके का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। हर घर, हर गली और हर सड़क पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी सूरत में दहशत गर्दों को घेर कर शहीद जवानों की मौत का बदला लिया जा सके। डेरा की गली इलाके में घात लगाकर आतंकियों ने सेना की दो गाड़ियों पर हमला किया। इस हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए जबकि 2 जवानों की हालत गंभीर बनी हुई है। संसद सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों का साइको एनालिसिस टेस्ट अब किया जाएगा और इससे पहले कल एक आरोपी का साइको एनालिसिस टेस्ट किया गया था। कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम एक आरोपी को लेकर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पहुंची थी और जहां उनका ये टेस्ट यहां पर किया गया था और इसी के बाद दिल्ली पुलिस ने ये फैसला लिया है कि आज सभी आरोपियों का साइको एनालिसिस टेस्ट यहां पर करवाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। अब यहां पर ये टेस्ट भी कराया जाएगा। संसद की सुरक्षा में जो जबरदस्त चूक सामने आई थी उसको लेकर पहले ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल एक आरोपी का साइको एनालिसिस टेस्ट हुआ था और उसी के बाद ये फैसला किया गया कि जो बाकी बचे हुए आरोपी हैं उनका भी ये टेस्ट कराया जाएगा और ये टेस्ट आपकी दिमागी हालत को दर्शाता है। इधर संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों के निलंबन पर विपक्षी दलों ने आज दूसरे दिन भी जोरदार प्रदर्शन का ऐलान किया है। आज